पहला तो क्या है मालूम है, कहीं ना कहीं तो लोग जानते हैं यार, कुछ ना कुछ किधर ना किधर तो कुछ लपड़ा है, वरना इतना इतना ये न्यूज के पीछे कोई नहीं लगता। और मुझे ये नहीं समझता कि जब लोग चाहते हैं, पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो क्यों किसी को प्रॉब्लम हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। क्यों प्रॉब्लम हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है ऐसे। और आपको लगता है कि उनकी डेथ को पॉलिटिकल भी बनाया जा रहा है, जैसे बिहार में अभी इलेक्शन भी है और फिर और क्या करेंगे, मेरे को बताओ क्या कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत से कभी आपकी मुलाकात हुई थी, आपके दोस्त थे कभी? नहीं नहीं कभी मुलाकात नहीं हुई मेरी, मगर जब भी उनके बारे में सुना तो अच्छा ही सुना, कभी उसका बारे में कभी किसको गलत बोला या कुछ प्रॉब्लम में किसी को, कभी नहीं। अच्छा लड़का था, इसके लिए तो मैं भी उसके लिए इंसाफ के लिए खड़ा हुआ है ना। हाँ कौन कौन देखो, किसी के फैमिली के बारे में अगर कोई गलत बोल रहा है ना, तो उतना वो समझ में आता है कि उसकी औकात क्या है। जो फैमिली सिखाती है, जो संस्कार देती है ना, वैसा वो करता है ना। तो दूसरों के फैमिली के बारे में बोलने से पहला वो सामने वाला पब्लिक जानता है इसकी औकात क्या है ना, ऐसा है। तो बहुत जल्दी आपको पता चलेगा ना कौन सही है कौन गलत है, वो समझा। देखो क्या है मालूम है, पहला तो आज पूरा सपोर्ट जो है ना पब्लिक का सुशांत को और सुशांत के फैमिली को है, तो कोई कितना भी बोले पब्लिक को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पब्लिक चाहती है तो ही वो गद्दी पे बैठता है और पब्लिक चाहती है तो उतार देता है, समझा ना। तो पब्लिक बोलेगी क्या करना है क्या नहीं, और कौन क्या बोल रहा है उससे मेरे को मतलब नहीं। हमको जो करना है हम लोग आगे बढ़े आगे कर रहे हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर से कहो, बेचारे इतना काम कर रहे हैं उनको करने दो, और मैं अकेला और एक बोल के उसको काहे को बेचारे को तकलीफ दूँ, करने दो ना। वो बेचारा इतना अच्छा काम कर रहा है जो 70 सालों में नहीं हुआ, वो आज कश्मीर में होके बताया ये सरकार ने, जो 70 साल में नहीं हुआ वो राम मंदिर बन के बताया। और क्या करेगा बेचारा, जो आज तक आए उन्होंने सिर्फ आपको इधर लगाया और चाट बोला चट्टे बेटे, आज ये जो कुछ कर रहा है उसको करने दो बस। अभी तुम्हारे जैसे है ना, मेरे पास बहुत है ऐसे जो मेरे को सुमड़ी में आके कान में बताते, हाँ कि भाऊ बजा इसकी। पहला तो वो मेरी डार्लिंग है, बराबर है, और दूसरी बार सूत्रों के अनुसार, ये बोलना जरूरी होता है, सूत्रों के अनुसार ऐसा खबर आया, मेरे भी चाहने वाले हैं थोड़े कुछ जिनको पता है कि मैं उसको अपनी जाने हो, तो उधर से मेरे को किसी ने बताया कि भाऊ ऐसा कुछ नहीं है, ये सड़क टू का जो ये चालू है पिक्चर आने वाला है और नेपोटिज्म चालू है ना सब, मेरा बाप की बेटी को लेगा, चाचा के लेगा, भतीजा को लेगा, तो इसके लिए वो बनाया सब फैमिली आया, तो अभी वो उनको तो कुत्ता नहीं पहचानता है, तो अभी एक ही आदमी वो पिक्चर में संजू बाबा, जिसके वजह से पब्लिक पिक्चर देखेगा, तो ये स्टंट है, पब्लिक स्टंट ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा चुप रहे क्या, हाँ वैसे होएगा और क्या, क्योंकि अभी तो वो लीलावती से डिस्चार्ज हो गया था बीच में, थोड़ा तो दिमाग मांगता है कि नहीं, तो डिस्चार्ज हो गया था, तो डिस्चार्ज क्यों करेगा फिर, अच्छा इंसान होएगा तो डिस्चार्ज होएगा ना। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब होता है, जब ठीक होता है तब, तो फटक्कर से ये जब इसका ट्रेलर आ गया तो भाई को बना दिया, क्या फोर्थ स्टेट फिफ्थ स्टेट पे पहुंचा दिया,
तो ये गलत है। ऐसा किसी का नाम से आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो थू है तुम लोग के जिंदगी पे। लेकिन जनता ने कहीं ना कहीं जवाब दे दिया है कि नेपोटिज्म अब नहीं चलेगा, सड़क तो 5 मिलियन से ज्यादा डिसलाइक मिल चुके हैं। 8 मिलियन के ऊपर हो गया, क्या होता है मालूम है? ये पब्लिक है, पब्लिक है और सब जानती है। इनको अगर आप हल्के मिलेंगे ना कि आप उन कुछ भी करेंगे, पब्लिक क्या है देखना है उन लोग को, तो ये आपकी गलत फहमी है। हाँ, कुत्ता पालो गलत फहमी नहीं पालने का, तो इन लोग ने गलत फहमी पाले, इसके वजह से लोगों ने इनको इनके औकात बताया। बिठाया था सर पे किसने? पब्लिक ने। अभी रास्ते पे कौन लाएगा? पब्लिक। ऐसा है तो इन लोग अपने औकात भूल गए, तो अभी पब्लिक उनको उनके औकात दिखा रही है। सब्सक्राइब कीजिए एक्सेस बॉलीवुड को, बेल आइकॉन को दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।